अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाऊंगी ऑमलेट बिना अंडे के, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक टमाटर काटकर, थोड़ी सी हरी धनिया, दो मिर्ची कट करके ली है, एक कांदा काट लिया है बारीक बारीक, और एक बटाटा एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया है, और तीन चम्मच मैदा लिया है, तीन चम्मच बेसन लिया है। चलिए पहले घोल बना लेते हैं। चलिए डाल देते हैं जो मैंने बेसन ले रखा है तीन चम्मच, और मैदा ले रखा है तीन तीन चम्मच, दोनों बराबर है। और नमक डालेंगे ज़रा सा, क्योंकि अभी आगे सब्जी में भी नमक डालेंगे। और यह है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच तक डाल देंगे, जैसे कि अच्छे से फूल जाए ये बनाते टाइम पे। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब पानी डालेंगे इसमें, पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे, एकदम पतला सा। ये घोल हो चुका है, चलिए इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। चलिए गैस जलाएंगे, इसमें एक चम्मच तक ऑयल डाल देंगे। चलिए ये हो चुका है, इसमें डाल देते हैं जो कांदा कट करके रखा था, इसमें मिर्ची डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे थोड़ा सा, जरा सा ही, बहुत नहीं। मैंने इसमें पेस्ट डाला है, आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। इसमें जब आलू जो कट करके डाल रखा है वो डाल देते हैं। चलिए बहुत देर तक तो नहीं पकाना है आलू को, लेकिन पकाना है क्योंकि अभी उसमें भी पक जाएगा साथ में घोल जब डालेंगे तो। इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी जरा सा ही कलर आने के लिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। इसमें अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें डाल देंगे टमाटर जो कट करके रखा था, और टमाटर को पकाना नहीं है, बस मिक्स कर देना है इसमें। ज़्यादा पका देंगे तो टमाटर दिखेगा ही नहीं, फट से गल जाता है वो तो। ये हो चुका है, चलिए बंद करते हैं। हमने जो बैटर बनाया था उसमें इसे मिक्स कर देंगे सबको, पूरा जितना बनाया है एक ही बार में। ये हो गया मिक्स, इसमें डाल देंगे धनिया। चलिए गैस जलाते हैं और फ्राई पैन चढ़ाते हैं। चलिए ऑयल डालते हैं इसमें,
चलिए ये गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं बैटर को इस तरह से, और इसे ढक देते हैं। ये एक मिनट तक ढका रहेगा, उसके बाद खोल के देखते हैं ये हुआ कि नहीं है। चलिए देखते हैं ये हो गया है कि नहीं। ये हो गया है, वाह, इधर से देखिए छोड़ दिया है नीचे से। इस पर हम इस तरफ से तेल डाल देंगे थोड़ा सा, जैसे कि इसे पलटी करें तो ये जले ही ना फट से। और इसे भी कुक होने के लिए एक मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए चले हो गया है कि नहीं, वाह हो गया है। चलिए ये हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं एकदम बढ़िया सा। चलिए फ्रेंड इसे कट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स मेरा ऑमलेट वेज ऑमलेट बन के तैयार हो गया है। आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू।